वर्क एनर्जी पावर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं ऑर्डर वाइज। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर में वो है कोलिजन। कोलिजन का क्वेश्चन ना हो पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता। आप रैंडमली पेपर उठा के देख लो, आपको कोलिजन का कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसके अंदर डेरिवेशन। कौन सा डेरिवेशन? डेरिवेशन किसका? 1D इलास्टिक कोलिजन का। 1D इलास्टिक कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन, जहां पर कि दो बॉडीज जो हैं वन डायमेंशन में इलास्टिकली कोलाइड करती हैं। दोनों के आपको मासेस पता है, m1 m2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज पता है, u1 u2, और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कोई अगर पेपर बना रहा है तो डेरिवेशन जो है वो जरूर देगा, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर आपने डेरिवेशन में जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं v1 और v2 के, उन दोनों वैल्यूज को याद कर लिया तो फिर आप न्यूमेरिकल कर लोगे, क्योंकि क्लास 11th के अंदर बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आता है, जहां पर वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सिर्फ वैल्यूज भी होती हैं क्वेश्चन में जिनको आपने पुट करना होता है, बट वो भी डायरेक्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया, आपने कोलिजन प्रिपेयर किया, उसका डेरिवेशन प्रिपेयर किया, तो जिस बुक से आप कर रहे हो या फिर अगर आप किसी बुक से नहीं कर रहे हो तो उसी वक्त बुक को उठाओ और उसमें उस फॉर्मूले पे बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग के 3-4, जैसे आपके पास ऐसे अरोड़ा है, प्रदीप है, स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर उसमें से जो क्वेश्चन है उनको जरूर देख लो। अगर आपके पास टाइम कम है जस्ट उनको अच्छे से देख लो 5 मिनट के लिए बैठ के, और 99% चांस है कि आपका जो न्यूमेरिकल उस टॉपिक पे आने वाला है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप कोलिजन पढ़ोगे तो 2D की कोलिजन पे जस्ट नजर मार लेना, और इन इलास्टिक वाली पे भी 99% चांस है कि कोलिजन में से ये वाले टॉपिक्स आएंगे, 1% चांस है कि दूसरे वाले इन इलास्टिक या 2D का। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आप सिर्फ इसको रिवाइज करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दो चीजें हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपका सबसे पहले तो है एक डेरिवेशन, जहां पर कि एक गिरते हुए स्टोन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी प्रूफ करनी होती है कि सेम रहेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बीच में कहीं पर या फिर नीचे, ठीक है, वो डेरिवेशन। और दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। किसी भी केस में पेंडुलम का केस यहां पे हो सकता है, स्प्रिंग का केस यहां पे हो सकता है, किसी भी केस में आपको टोटल एनर्जी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इक्वल टू दूसरी सिचुएशन में उनको इक्वेट करना है और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें से वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैं ऑर्डर वाइज बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से करो। आपके पास कम टाइम है ऊपर वाले टॉपिक्स रिवाइज कर लो, ज्यादा टाइम है नीचे वाले भी कर सकते हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके अंदर 80-90% चांस है कि डेरिवेशन आएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन है, उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, पर इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बट जो न्यूमेरिकल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे यानी इस फॉर्मूले पे आता है वो जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही होता है, और उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। इन टॉपिक्स के अलावा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो आपको इंटीग्रेशन लगा के वर्क निकालना होता है, सिंपली एक बॉडी ए से बी डिस्प्लेस हुई है, उसके फोर्स का आपको फंक्शन दे रखा है fx, तो fx dx का इंटीग्रल ए टू बी, इस पे न्यूमेरिकल आपका कई पेपर्स में देखा गया है। और दूसरा ग्राफिकल मेथड पे डेरिवेशन, ग्राफिकल मेथड पे न्यूमेरिकल देखा गया है कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ का एरिया होता है, तो वो ग्राफिकल मेथड है वर्क को निकालने का। बस इस चैप्टर से आप इतना रिवाइज कर लेना और लगभग 99% या 100% चांस है कि जो आपका क्वेश्चन आएगा सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा।